हेलो, हाय, नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं जिम। यस, और फुल रेडी हो गया, निकल रहा हूँ मैं, थैली पहन के, रेनकोट पहन के जाते हैं जल्दी जल्दी। आज अकेले ही करने वाले हैं अभी, क्योंकि मेरे को लाइक आज घर पे ही रहना पड़ेगा, जेनिफर को संभालने का, स्कूल वूल छोड़ने का, तो उसमें मैं जल्दी निकल रहा हूँ सुबह सुबह, ताकि बाद में फिर कुछ इशू ना हो, नहीं तो फिर मम्मी से बहुत गाली सुननी पड़ेगी। तो आज जाके शोल्डर मारेंगे, चलो जाते हैं जल्दी जल्दी। वाओ, मैं सोचा था ये पहनता हूँ क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी, और मेरी नसीब देखो कि बारिश कम हो रही है, और मेरे को ये पहन के रखना ही पड़ेगा। लेकिन चलो जाते हैं। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, शोल्डर प्रेस डंबल, और इसके 3 सेट्स एंड 10 to 15 का रेप बेंच, एंड ऑलरेडी एक सेट हो चुका है, और दो करना है। चलो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है लैट एक्सरसाइजेस फॉर 4 सेट्स एंड 15 रेप्स। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बिकॉज कल बैक मारा था, एंड उसको वजह से मेरे पूरे टैप्स टैप्स सोर पड़े शर्ट्स की वजह से, और मिड बैक भी पूरे सोर है, और लोअर बैक भी प्रॉब्लम की वजह से। तो प्रीटी मच, लेकिन इंटेंसिटी अच्छा आ रहा है, तो और बस यही बोलना था। लेट्स जस्ट स्टार्ट नाउ। नाउ फॉर आवर थर्ड एक्सरसाइज, हम लोग लेंगे रेडल्स, एंड इसके 3 सेट्स फॉर 15 रेप्स। एंड वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग यहाँ तो क्या पता है, यहाँ के प्लेट्स, तो बेसिकली डिसीजन में कैसे वो पिंस रहते हैं, वो होल्ड करना पड़ता है। इसमें क्लिप्स है, जो वेट चाहिए बस उससे क्लिक क्लिक करो, एंड दिस इज़ वेरी गुड। नहीं तो हर बार वो बहुत क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता, कभी गिर जाता, पीछे गिर जाता, घूम लो, ये करो वो करो, तो ये सही है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एंड फाइनली वर्कआउट हो गया, एंड ऑनेस्टली वर्कआउट बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा रहा था, पंप आया, एंड इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक राइट इंटेंसिटी में करो और राइट वॉल्यूम में करो, ना अच्छा ही जाता है वर्कआउट मेरे हिसाब से। तो यही है, और अभी जाते घर, एंड आज हम बनाएंगे हाई प्रोटीन, क्या हाई प्रोटीन, अंडा सोयाबीन समथिंग। तो बेसिकली ये हाई प्रोटीन है, और मैं पूरा डिटेल डाल दूंगा क्या है क्या नहीं है। आज थोड़ा कुकिंग वाला डालते हैं, बहुत टाइम हो गया डाले नहीं,
और थोड़ा व्यूज भी आ जाएंगे। चलो जाते हैं अब घर में। तो लेट्स स्टार्ट। और अभी मैंने लिया है अराउंड 50 ग्राम्स सोयाबीन जो मैंने भिगा के रखा था पहले से ही। और अभी इसको थोड़ा मिक्सी में पीस देंगे, ज़्यादा नहीं एकदम हल्का सा ग्राइंड करना ताकि वो अंडे के साथ अच्छा मिक्स हो जाए। और आई थिंक 50 ग्राम में अराउंड 30 ग्राम्स इतना 33 ग्राम्स प्रोटीन वगैरह होता है कुछ, वो तो मैं टोटल डाल दूँगा। 33 है 18-20 मुझे याद नहीं है, तो मैं वो पूरा लास्ट में बता दूंगा क्या है क्या नहीं। तो पहले इसको मिक्स करते हैं। वाह इट इज रेडी, देख सकते हो। एकदम ज्यादा भी नहीं करना है नहीं तो वो पूरा चिप 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 हो जाएगा। और अभी इसको हम मिक्स करेंगे अंडे में। बाय द वे आप लोग लाइक कांदा टमाटर वगैरह भी डाल सकते हो, बट मेरे को उतनी मेहनत करने का मन नहीं है तो मैं वो नहीं करूँगा। अच्छा तो बीस और हम लोग पाँच पाँच अंडा यूज़ करेंगे, तो 5 अंडा आई थिंक 33 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और पूरा टोटल कैलोरीज मैं लिख दूंगा आज, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेंगे और क्या, थोड़ा ताकि मालूम पड़े उस इंसान को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये हो गया, अब इसमें हम करेंगे मिक्स जो हमने निकाला। हो गया पूरा डाल दिया, अब इसमें इसको मिक्स करेंगे हम। थोड़ा नमक, स्वाद अनुसार हल्दी, अच्छा लगता है हल्दी का टेस्ट, लाल मिर्च। अब सब ले लिया, आप फोक से मस्त मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा मिक्सिंग करना हार्ड हो सकता है उसे। इसे बनाते हैं तो लेट्स स्टार्ट बाय। घी से स्टार्ट करेंगे हम, ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, घी यूज़ करेंगे या तो बटर, और ज़्यादा नहीं हल्का सा, मतलब 1 टेबल स्पून या जितना आपका क्वांटिटी उस हिसाब से। और मेरे को तो आदत हो गई है, मतलब कितना लगता है पता चल गया, इतना डाल दिया घी। अब इसको अच्छे से वो करो, पूरा फैलाओ ताकि आपका चिपके। एंड बेस्ट रहेगा नॉन स्टिक में बनाओ, ठीक है ना, तो ज़्यादा ऑयल यूज़ भी नहीं होगा तो और अच्छी बात है। अभी पलट दिया और मस्त लग रहा है अभी। अभी इसको अच्छे से ढक दो स्लो फ्लेम पे, और क्या बोलते हैं पकने दो बस, फिर फ्लिप करना। फ्लिप करना थोड़ा हार्ड हो जाता है लेकिन ठीक है, ट्राई करेंगे बेस्ट, लेकिन मज़ा आएगा। अभी इसको अच्छे से लो फ्लेम में पकने दो। अभी वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग करना है हमें, ये फ्लिप करना है ये फ्लिप करना है। और कैरेट्स रेडी कर दिए हमने, थोड़ा सैलेड फाइबर जो बेसिकली कितना है 200 ग्राम कैरेट है। परफेक्ट, बस बीच में से कट गया लेकिन अच्छा खासा था देख सकते। फाइनली रेडी हो गया है पूरा। अब मैं टोटल बताता हूँ क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है। और बेसिकली 200 ग्राम्स हमने ये डाला है कैरेट, जिसमें हमें 1.8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और सोयाबीन, इसमें सोया चंक्स 50 ग्राम है तो उसमें 18.5 ग्राम प्रोटीन रहेगा। और 5 होल एग्ज है तो उसमें आई थिंक कितना, 5 होल एग्ज फॉर 33.5 ग्राम समथिंग। और मतलब ऐसा पूरा टोटल करेंगे तो हमें अप्रॉक्स 51 या 53 ग्राम प्रोटीन इसमें मिल रहा है। और कैलरीज अगर ये ऐड करके करते, अगर कैरेट्स ऐड कर रहे तो 825 ग्राम होता है, और विदाउट उसके 725 ग्राम होता है। तो बेसिकली ये सुबह सुबह अच्छा है खाऊँ, हाई मील है, हाई प्रोटीन मील है। अब मैं खाता हूँ इसे जल्दी जल्दी और बताता हूँ कैसा है।
बाय द वे इसको और भी तरीके से बना सकते हो आप लोग, जैसे मैगी मसाला वो सब ऐड करके, और ऊपर से अगर टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो नमक या ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हो। तो अब मैं जल्दी जल्दी खाता हूँ, मेरा तो हो गया। अगर आपको भी ट्राई करना है तो ये ट्राई करो रेसिपी, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि थोड़े वेजीज ऐड करो। मैं को आज कंटा ला रहा था, उसलिए मैंने किया नहीं। और इसी नोट पे ये ब्लॉग आज कहीं ख़त्म करते हैं। आई नो बिकॉज आज मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं, मैं बहुत घर पे बिजी। तो इसी नोट पे आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को याद से लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ अपने ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।